Hello students, this is my 30th lecture in genetics. Today I will discuss very special topic, that is DNA fingerprinting. ये ऐसा topic है जो general topic भी माना जाता है. Even science student ही नहीं, दूसरे students भी इसको follow कर सकते हैं. तो let's start DNA fingerprinting. हाँ, एक बात और है, जब भी आप इस लेक्चर को देखें, इस 30th लेक्चर, 31 और 29 लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वो कोरिलेट करेंगे इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ. हाँ, यस, ये फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक क्या है? पहले अगर हम इसकी यूजेस देख लें, इसके यूजेस कहां होता है? यूज इन टू सॉल्व द मर्डर मिस्ट्री, सेकेंडली पेरेंटल डिस्प्यूट, एंड थर्ड इन रेप विक्टम्स. अब होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिजम्स का डीएनए की फॉर्म में, वो जेनेटिक मटेरियल दो ऑर्गेनिजम्स का थोड़ा अलग अलग होता है. 99% जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, परंतु उस जेनेटिक मटेरियल को हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. कहां पर? मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, रेप विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए, पेरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए. अब ये प्रोसेस किस तरह से होती है वो हम यहां डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स की जानकारी जरूर लेंगे इसकी. तो सबसे पहले फादर इसके एलेक्स जेफरी है. अब होता क्या है, यहां पर अगर मेरे पास ये कोई जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये यहां से यहां तक, ये मैंने बॉक्स में यहां पर जो दिखाए हैं, ये जीन्स है यहां पर प्रेजेंट, ठीक है. इन जीन्स के बीच दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड जंक डीएनए. क्या बोला हमने इसको? जंक डीएनए. यहां से यहां तक ये जंक डीएनए. नाउ व्हाट इज जंक? जंक होता है जो वहीं पर जमा हुआ है, जिसका कोई खास उपयोग नहीं है. परंतु आज की डेट में दिस जंक डीएनए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस जंक डीएनए हैज प्रेजेंस ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर्स. व्हाट टाइप ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस? लाइक दिस. देखो, अगर हमारे पास यहां पर ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, यहां से यहां तक ये रिपीटेड सीक्वेंसेस है. मान लो यहां से यहां तक पांच बार रिपीटेड सीक्वेंस कौन से हैं? ए टी सी जी, ए टी सी जी. इन रिपीटेड सीक्वेंसेस को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं. इस जंक डीएनए को हम वहां पर यूज करते हैं. कैसे यूज करेंगे वो हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे. अभी आप इतना याद रखिए, ये जीन्स है और ये क्या है? जंक डीएनए, रिपीटेड सीक्वेंसेस है डीएनए के. अगर हम बात करें, जो हमारा डीएनए और मेरे साथ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है या कोई और इंसान है, उसका डीएनए मेरे से मैच नहीं करेगा, ठीक है. हमारा डीएनए सबका अलग अलग है. अगर हम बात करें, ये हमारे पास 99.9% डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स का, सभी लिविंग बीइंग का सेम होता है. रिमेंबर दैट थिंग कि 99% डीएनए सबका कैसा होता? एक जैसा होता है. बेस पेयर वही सब में एक जैसा है लगे हुए, ठीक है ना. ऑलमोस्ट 99% सेम है, परंतु 0.1% डिफरेंट है. वही हमारे को एक दूसरे से अलग करते हैं. वो डिफरेंट क्यों है? दैट इज ड्यू टू रिपीटेड सीक्वेंसेस. कौन से रिपीटेड सीक्वेंसेस? जंक डीएनए ये रिपीटेड सीक्वेंसेस है. इन रिपीटेड सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनको VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. कि ये टैंडम रिपीट्स बहुत से हैं. अब ये टैंडम जो रिपीट्स है, हर एक ऑर्गेनिज्म में उसकी संख्या नंबर अलग अलग होता है. मान लो मेरे अंदर टैंडम रिपीट्स 10 हैं, मेरे साथ कोई दूसरा इंसान है उसके पास 15 है, उससे अगले के पास 30 है, तो वही चेंजेस है हम में, ठीक है ना. उसी से हम एक दूसरे से अलग है. क्यों अलग है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टैंडम रिपीट्स, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड
रिपीटेड सीक्वेंसेस। अब जब भी आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है, ठीक है, तो प्रोसेस होता है उसका। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले होता है दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब मान लो किसी का मर्डर हुआ है किसी प्लेस पर, ठीक है, उस प्लेस से मर्डर वाली जगह से हमें कुछ सैंपल्स मिले, चाहे वो ब्लड का सैंपल मिला, जिसने मर्डर किया उसके कहीं हाथापाई में कभी ब्लड निकल गया उसका सैंपल मिल गया, या उसके हेयर्स का सैंपल मिल गया, या उसके स्किन के किसी सेल्स का सैंपल मिल गया, वो एनफ है हमारे लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। मान लो वो सैंपल मिल गया, मैंने सैंपल इकट्ठा किया, अब उस सैंपल को आइसोलेट करना है हमने। सबसे पहले कैसे करेंगे आइसोलेट? दैट इज डाइजेशन ऑफ डीएनए। उस डीएनए को डाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट फ्रेगमेंट्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर सौंदर ब्लॉटिंग की जाती है, फिर ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, फिर लेबल किया जाता है, फिर हाइब्रिड बनाया जाता है। ये पूरी प्रोसेस, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो उसको जानने से पहले, जहां तक मैंने आपको बताया कि ये रिपीटेड सीक्वेंसेस का उपयोग हम करते हैं, अब इससे पहले जब हमने सैंपल ले आए, हम सैंपल ले आए, ये हमारे पास सैंपल था, मान लो ये सैंपल है किसका, सस्पेक्ट का, ये ब्लड भी हो सकता है, हेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ब्लड है तो एनफ सैंपल माना जाता है, अगर हेयर्स है या कोई सेल्स है तो एनफ नहीं माना जाता, तो बहुत कम सैंपल है, उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं, वहां पर पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि पॉलीमराइज चेन का रिएक्शन ही होता है, इसको मैं डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये अगर डीएनए है, ये बहुत कम अमाउंट में है, इसकी अमाउंट बढ़ाना है, उसको पीसीआर बोलते हैं। अब इतना समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से लिया था तो बहुत कम डीएनए मिला, जिससे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे सस्पेक्ट को, तो हम उसका नंबर ज्यादा चाहिए, उस नंबर को एम्पलीफाई कर लेते, बढ़ा देते, उसको पीसीआर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब सैंपल आपने इकट्ठा कर दिया, तब आप हमारे पास एक मशीन होती है, सेंट्रीफिकेशन मशीन। हम उस सैंपल को डीएनए की सेंट्रीफिकेशन मशीन में डाल देते हैं, उसको घूमती है मशीन पूरी तरह से, और वो जो डीएनए है वहां पर क्या हो जाता है, आइसोलेट होना शुरू हो जाता है एक दूसरे से। मानो ऐसे ऐसे डीएनए पड़ा हुआ था और ये ऐसे आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। अभी आइसोलेट तो हो गया डीएनए, अलग तो हो गया, ये एनफ नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। अब जब आइसोलेट होता है, ये दो तरह के फ्रेगमेंट्स हमारे को मिलते हैं आइसोलेट होने पर, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। ये भी सैटेलाइट में हम पढ़ चुके हैं। अभी माइक्रो मिनी सैटेलाइट क्या होते हैं, कि रिपीटेड सीक्वेंस अगर लंबा है, मान लो यहां से 20 से ज्यादा रिपीटेड सीक्वेंसेस है, ACTG से 20 से ज्यादा है, उसको मिनी सैटेलाइट्स में हम ले लेते हैं। अगर 2 से 10 या 12 सीक्वेंसेस है कंटिन्यूअसली, उसको माइक्रो में लेते हैं। वो छोटे सेगमेंट्स हुए, छोटे सेगमेंट्स हम यूज नहीं करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला तो हमारे को क्या मिली, मिनी सैटेलाइट्स, बड़े बड़े सीक्वेंसेस मिले, उसको हमने यूज किया, वो आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब जब आप आइसोलेट किए, तो मैं यहां इस आपको इसको बड़े एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कैसे। मान लो हमने क्या किया, 3 सैंपल्स इकट्ठे किए, एक मेरा सैंपल है नवीन, एक मेरी स्टूडेंट का सैंपल है डॉक्टर दिव्या विश्वमरा का, ये एक और मेरी स्टूडेंट का सैंपल है आरजू शर्मा का। 3 सैंपल लिए मैंने, और तीनों सैंपल में मैंने क्रोमोसोम 1 स्टडी किया। मेरे में क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि होमोलोगस होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना, तो इस क्रोमोसोम में जो ये पैटर्नल या मैटर्नल है, 2 क्रोमोसोम है, तो ये जो ग्रीन कलर के दिखाए हैं रिपीटेड सीक्वेंसेज है, तो ये यहां पर 5 है मेरे पास रिपीट हो रहे,
और दूसरा जो मेरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर वन का दूसरा पार्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट, उसमें दो सीक्वेंस है, टोटल सात है मेरे पास। क्या है? रिपीटेड सीक्वेंस मेरे पास सात आ रहे हैं मेरे पहले क्रोमोसोम में। अब दिव्या के क्रोमोसोम को देखते हैं, पहला क्रोमोसोम उसमें कितने रिपीटेड सीक्वेंसेस आ रहे हैं। उसके क्रोमोसोम में सात और दो दस रिपीटेड सीक्वेंसेस है। आरजू किसमें कितने? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ सीक्वेंसेस आ रहे हैं, और यहां पर कितने थे? दस थे टोटल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? सभी का क्रोमोसोम नंबर वन में VNTR या रिपीटेड सीक्वेंसेस का नंबर अलग अलग है। अगर मेरे पास वो सात थे, दिव्या के पास दस थे, आरजू के पास नौ थे, सबका अलग अलग है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास ये स्टडी के हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमारे पास कैसे पीसेस आए? मिनी सैटेलाइट्स आए। अब हम क्या करेंगे, इन मिनी सैटेलाइट्स को दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन ऑफ डीएनए। डीएनए हमने लिया, ये मिनी सैटेलाइट्स थे हमारे पास, ये मिनी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, इस तरह के सैटेलाइट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इसको डाइजेशन करना है। हमने इसके ऊपर एंजाइम डाला, कौन सा? आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम। क्या काम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का? इट एक्ट लाइक एज ए सीजर, कैंची की तरह काम करता है, और ये ऐसे सेगमेंट्स को काट लेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे हमारे पास। ये डीएनए कैसे बन गया हमारे पास? शॉर्ट सेगमेंट्स बन गए इस तरह से। तो उनमें से जैसे बिल्कुल छोटा, इसको माइक्रोसैटेलाइट्स है, ये माइक्रोसैटेलाइट, हम बड़े वाले सैटेलाइट यूज कर लेंगे हम, ये वाले मिनी सैटेलाइट्स हमने छांट लिए, ये वाले। ठीक है, ये हमारे काम आने हैं आने वाले टाइम में, ठीक है ना, मिनी सैटेलाइट्स। इसने काम कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे? तीसरे टेक्निक हम यूज करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो ये सारे फ्रेगमेंट्स आए, कोई इतने बड़े है, कोई इतने छोटे है, इस तरह के फ्रेगमेंट्स आए, इनको सेपरेट करना है हमने अकॉर्डिंग टू साइज, साइज एंड दूसरा चार्ज, साइज और चार्ज के हिसाब से हमने क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। किनको? डीएनए फ्रेगमेंट्स को, साइज एंड चार्ज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज करते हैं, एक मशीन होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये भी मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, अभी आप इतना समझ लीजिए, मशीन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन ले ली, ठीक है, ये मेरे पास मशीन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, ये मशीन थी मेरे पास, ठीक है। इस मशीन में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं सामने, एक यहां पर एक यहां पर, इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में अंदर एक जेल डाला जाता है, एग्रोज जेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एग्रोज जेल। वो एग्रोज जेल कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रेड एल्गी से। रेड एल्गी में भी कौन सी एल्गी होती है? रेड एल्गी, ग्लैसेरिया एंड जेलेडियम, उससे जेल निकाला, एग्रोज जेल निकाला, और इस मशीन का फ्लैट सर्विस होता है उसमें भी छाट दिया पूरा। अब ये जेल कैसा है, इसमें बहुत माइक्रो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इस फ्लैट सर्विस पर ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ऐसे प्लेट जैसे बने होते हैं, उसमें डीएनए डाल दिया जाता है। कौन सा डीएनए? जो सेपरेट किया था मैंने, जो तोड़ा था, जो छोटे छोटे पीस रह गए थे ऐसे ऐसे पीसे, वो सारे का सारा इन कंपार्टमेंट में डाल दिया। जैसे इस कंपार्टमेंट में डालेंगे, इसमें छोटे पीसेस भी है, बड़े फ्रेगमेंट्स भी है, डीएनए के दोनों तरह के फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोड दोनों साइड लगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो डीएनए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट्स की वजह से, तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं बहुत तेज गति से भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि एग्रोज जेल में माइक्रोपोर्स हैं, उन पोर से छोटे सेगमेंट्स ही आगे जा सकते हैं, और फ्रेगमेंट्स कहां पहुंच जाते हैं? तेज गति से इस पॉजिटिव चार्ज की ओर भागते हैं। अगर मैंने अपना सैंपल लिया, नवीन का सैंपल, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, तो आपको पता है मेरे पास कैसे टैंडम रिपीट्स थे, किस तरह से रिपीट्स थे, फाइव एंड टू,
दो रिपीट थे ना मेरे, एक क्रोमोसोम में मेरे पांच रिपीट थे, एक में दो थे, दो वाला छोटा सेगमेंट होगा वो आगे चला जाएगा किसके पॉजिटिव चार्ज नजदीक, और पांच वाला थोड़ा पीछे। देखो ये मेरा इलेक्ट्रोफोरेसिस है पूरा, मैंने अपना सैंपल इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डाला। अब मैं दिव्या का सैंपल डालता हूं दूसरे इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में, इसमें डाला तो उसके बाद सात था एक और दूसरा तीन था, तीन पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हो जाएगा इलेक्ट्रोड के और सात पीछे रह जाएगा। फिर मैंने आरजू का डाला इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में तो उसके पास क्या था, पांच और चार, पांच पीछे रह जाएगा चार यहां रहेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में क्या हुआ, चार्ज के अकॉर्डिंगली छोटे और पीसेस अलग हो गए, ठीक है ना, ये बड़े पीसेस इधर को रह गए, छोटे पीसेस इधर को रह गए। तो हमारे पर एक सेपरेशन हो गया डीएनए सेगमेंट्स का, डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट कर लिए। अब जब हमने सेपरेट कर लिए तब हम चौथी टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड साउथर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं इसको, साउथर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग पेपर सब ने देखा है, ठीक है ना, वो क्या करता है स्याही गिरती तो उसको सोख लेता है और उस स्याही के इंप्रेशंस उसमें निचली तरफ लग जाते हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर भी साउथर्न ब्लॉटिंग होती है। अब साउथर्न ब्लॉटिंग के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है या शीट होती है, वो होती है नाइट्रो सेलुलोज पेपर या नाइलॉन शीट बोलते हैं। ये हमने पेपर या शीट ली, उस शीट को क्या किया हमने, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन थी उसमें जेल बिछा हुआ था, उस जेल में ये साइज के अकॉर्डिंग क्या लगे हुए थे, डीएनए। ये देखो डीएनए में भी कौन से, जो रिपीट से रिपीटेड सीक्वेंसेस थे ये लगे हुए थे। इस ये पूरा है जेल बिछा हुआ, उसके ऊपर क्या डाल दिया, ब्लॉटिंग लगा दिया, नाइट्रोसेलुलोज का ब्लॉटिंग रख दिया इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर भी रख दिया इसके ऊपर। जब इसके ऊपर रखा तो इसमें क्या छप जाएंगे, इंप्रेशंस, किसके, जो फ्रेगमेंट्स साइज के अकॉर्डिंगली अलग हुए तो वो इंप्रेशंस यहां आ जाएंगे। ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है, जो मैंने यहां पर दिखाया नाइट्रो सेलुलोज शीट है, ये वाली नाइट्रो सेलुलोज शीट है। तो यहां पर ये वाला फर्स्ट वाला इंप्रेशन आ जाएगा, अगर मेरे वाला सैंपल है ये नवीन का सैंपल है तो पांच आ जाएगा यहां पर, क्या पांच वाला रिपीट्स आ जाएगा और एक दो वाला रिपीट्स। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे को लगते हैं ये। फिर मैंने दिव्या का लिया तो दिव्या में सात वाला आ जाएगा और तीन वाला आ जाएगा, आजू का पांच वाला आ जाएगा चार वाला आ जाएगा। इस तरह से उसकी इंप्रेशंस किस में छप गए, नाइट्रो सेलुलोज शीट में छप गए। जब नाइट्रो सेलुलोज शीट में छप गए तो उसको हमने क्या बोला, साउथर्न ब्लॉटिंग बोल दिया, ठीक है। अब हम शीट में देखने की कोशिश करेंगे, हमारे को नहीं दिखेंगे वो, क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि डीएनए आसानी से ऐसे नहीं दिखते हैं। तो हमें उसके करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डीएनए प्रोब, ये डीएनए प्रोब है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब डीएनए प्रोब क्या होता है, दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए, डीएनए के छोटे छोटे पीस है, ऐसे ऐसे पीस है डीएनए के, ये प्रोब है। कॉम्प्लीमेंट्री टू, किसके कॉम्प्लीमेंट्री टू, दैट इज रिपीटेड सीक्वेंसेस, जैसे ये वाले रिपीटेड सीक्वेंसेस है, ये रिपीटेड सीक्वेंस था हमारे पास, ये एक ये है, एक ये है, ए टी सी जी, ए टी सी जी एस एस, ए टी सी जी एस टी सी, ये रिपीटेड सीक्वेंसेस है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को डीएनए प्रोब बोलते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, टी ए जी सी, ठीक है, एक प्रोब ये बन गया, दूसरा प्रोब ये बन गया। इस तरह के प्रोब हमने यूज करने, आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हम उसको उपयोग करेंगे उन प्रोब को, उन प्रोब को हमें रेडियो एक्टिव करना पड़ेगा ताकि वो चमक जाए, ठीक है ना। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, या लेबल किया हमने इसको वीएनटीआर, क्योंकि ये क्या थे, वीएनटीआर थे ना हमारे पास, टेंडम रिपीट थे, छोटे छोटे टेंडम रिपीट थे हमारे पास, इस तरह के टेंडम रिपीट है। तो इसमें हमने इसको डीएनए प्रोब बोला और इसमें हमने रेडियो एक्टिव कर लिया। अब इस रेडियो एक्टिव को हमने इस नाइट्रोसेलुलोज में, जो हमारे पास ऑलरेडी है पड़ा हुआ सीक्वेंस पड़ा हुआ, इसके पास इसमें डाल देंगे सारे सीक्वेंस, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इस तरह से
अटैच हो जाएंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री है इस तरह से, और ये चमकने लगेंगे वहां पर। उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा सीक्वेंस किसके साथ है, कौन सा बेस पेयर किसके साथ और कितना लंबा सीक्वेंस है। ठीक है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहां तक आपको पता लगी। अब हम सस्पेक्ट्स का पता कैसे लगाएंगे? देखो हमने क्या किया था, अगर ध्यान से आप देखेंगे यहां पर, बड़े ध्यान से देखना, ये मर्डर वाले प्लेस से हमने सैंपल लिया था, ये वाला सैंपल, ये सैंपल हमारे पास ऐसा आया जब हमने पूरा स्कोप किया, सेपरेट किया और इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सोदन ब्लॉटिंग की, ठीक है, रेडियोग्राफी की, तो हमारे पास इस सैंपल के रिजल्ट ऐसे आए हमारे पास, जो हमारे VNTR था ये इस सैंपल का ऐसा है, ये 5 और 2 वाला है। ठीक है, अब हमारे को जिन पर शक था, जो सस्पेक्ट थे, वो एक नवीन था, मैं था सस्पेक्ट, सस्पेक्ट में नवीन था, दिव्या थी और आरजू थे, हम 3 सस्पेक्ट हैं, हमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, जो इसके साथ मैच करेंगे, जिसके रिपीट, ठीक है ना। अब फिर मेरा सैंपल इसी प्रोसेस में गया, रिजल्ट ये आया, ये 5 आया, ये 3 आया, 5 आया 2 आया, यहां 5 आया 2, तो ऑलमोस्ट मेरा तो पूरा सिमिलर हो रहा है। फिर भी 2 और बचे, उनका रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो दिव्या के पास तो 7 था, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करा, कहीं भी नहीं है 5 के साथ 7, और एक 3 है, 3 भी कहीं नहीं इसके पास, तो ये तो कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया, ये तो है ही नहीं है क्रिमिनल। फिर आरजू, आरजू के पास 1, 5 तो था भाई, अभी तो चांसेस है ये भी हो सकता है, ठीक है ना, और दूसरा 4 निकल गया, यहां 2 था, तो आरजू भी रिजेक्ट होगी। तो सिमिलर किसका मैच कर रहा है, नवीन का, किसके साथ, जहां से मर्डर हुआ वहां सैंपल लिया गया, वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैच किए डीएनए में VNTR, अगर मेरे VNTR 7 थे यहां पर, 5 और 2 7, और इस जहां से सैंपल लिया उसके भी 7 थे, इट मींस आई एम सस्पेक्ट, आई एम द क्रिमिनल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मिस्ट्री सॉल्व करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। तो ये टेक्निक्स आपको सारी याद रखनी पड़ेगी। ये तो मर्डर वाला था, मान लो डिस्प्यूट, पेरेंटल डिस्प्यूट है, ये कोई एक चाइल्ड है, ये मदर है, ये मदर है, ये फर्स्ट मदर है, ये सेकेंड मदर है, ये कहती है मेरा बच्चा है, ये कहती है मेरा बच्चा है। तो हमने इसका सैंपल लिया, इसका सैंपल लिया, इसके सैंपल से हमने ड्रॉ किया कि इसके पास ऐसे डीएनए आ रहे हैं, ये डीएनए आ रहे हैं 7, 5, 4, 3, ठीक है। फिर हमने इसकी फिंगरप्रिंटिंग की, इसका आया 6, 4, 1, ठीक है। अब हमने बच्चे की देखी जिसके साथ मैच होगी, मान लो बच्चे का आया 6, 4, 1, 6, 4, 1, तो इट मींस दैट इज द मदर ऑफ दैट चाइल्ड। तो वेरिएबल टैंडम रिपीट्स जो है वो किसी के एक दूसरे से मैच नहीं होते हैं, परंतु अगर सस्पेक्ट्स है तो सैंपल लिया गया था तो मैच होंगे। यहां पर भी पेरेंटल डिस्प्यूट्स है तो जरूरी नहीं है इसके सारे मैच होंगे। देखो 6, 4, 1 है, 6, 4, 1 हो सकते हैं, यहां 1, 5 भी हो, परंतु 99% क्या है, मैच कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो उसके फादर से भी आए होंगे ना, तो मदर वाले सारे कर रहे, क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इस तरह से हम सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। दैट इज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, होता क्या है, हम एक जगह से सैंपल लेंगे, सैंपल लिया, ब्लड की फॉर्म में था, उसमें डीएनए था, उसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, फ्रेगमेंट में बहुत से अब बड़े पीस भी थे, छोटे पीस भी थे, तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो वो साइज के अकॉर्डिंगली लग गया, फिर उसका छाप छोड़ा नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर, जिसको सौदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। अब हमारे पास वो तो आ गया, सैंपल तो आ गया हमारे पास, वो साइज के अकॉर्डिंग लग गया, पर हमारे को दिख नहीं रहा है, देखने के लिए हमें उसे आइसोटोप्स डालने पड़ेंगे, उस टेक्निक को ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। उसमें हम प्रोब्स डाले, डीएनए प्रोब डाले, जिसमें हमने रेडियो एक्टिव डाला था,
और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थे, दो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वहां पर जुड़ जाएंगे और छोटे छोटे सीक्वेंसेस दोबारा से बना देंगे। अब वो सीक्वेंसेस अगर मैच कर रहे हैं किसी के साथ तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दैट इज अबाउट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं साउथर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेडियोग्राफी के बाद की बात करूंगा। थैंक यू सो मच।